हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर अहमदाबाद में, और अगर आप बहुत ही सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं वो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं, और आसपास की गांव है, सिटी है, तो वो भी यहाँ पर अहमदाबाद में आकर शॉपिंग कर सकते। तो ये जगह कौन सी है वो मैं आज आपको यहाँ पर घुमाऊँगी, दिखाऊँगी, और यहाँ का शॉपिंग सेंटर कैसा है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ, और यहाँ पर जितनी भी मतलब अभी दिवाली का माहौल भी है तो शॉपिंग के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ती यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, क्या मिलता है इस जगह पर, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस जगह पर मैं हूँ वो अभी लाल दरवाज़ा है। लाल दरवाज़ा की तरफ हम चलेंगे, अभी इस साइड आगे की तरफ यहाँ पर लाल दरवाज़ा है, तो वहाँ पर हम चलेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। और वहाँ पर एक मंदिर भी है, भद्रकाली माता का मंदिर है, तो वो भी हम वहाँ पर देखेंगे, मैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अंदर तो हम चलेंगे नहीं, बस वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से कि कैसे क्या है। तो चलते अभी उस साइड। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, ये लाल दरवाज़ा का एंट्रेंस है। जो लाल दरवाज़ा है वो उस साइड अंदर की साइड है, लेकिन ये जो मार्केट है इसका एंट्रेंस इस साइड है। तो यहाँ से ये जो भीड़ है आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि अभी दिवाली आ रही है, तो कितनी मतलब शॉपिंग करने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस जगह पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जो भी आपको शॉपिंग करनी है हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। भद्रकाली माता जी का मंदिर है इस साइड, और ये पूरा रहा मार्केट। तो अंदर मैं आपको लेकर चलूँगी। मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, आप अगर शॉपिंग करने आते हो तो दिन में आना, मतलब सुबह में ही आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है आपको शॉपिंग करने के लिए। और जस्ट घूमने आना है तो 4-5 घंटे निकाल के तो ज़रूर ही आना। तो ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी, भद्रकाली माता जी का मंदिर। और ये रहा यहाँ पर पूरा मार्केट। यहाँ पे आपको 100-100 रुपये, 150-150 रुपये की हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग कपड़े लेने हैं तो कपड़े ले सकते हो, चप्पल, शूज़, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे लेनी वो भी ले सकते हो। आप यहाँ पर आपके होम डेकोर की चीज़ें अगर आपको लेनी है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो इस साइड सारे कपड़े ही है। और इस साइड अंदर जाते हो तो पूरा क्लोथ का मार्केट है। तो ये पूरा यहाँ पे क्लोथ्स का मार्केट है अंदर की साइड पर। यहाँ पर आपको छोटे बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे, बड़ों के भी मिल जाएंगे। Thank you.
तो ये शॉप इनकी है, यहाँ पर शॉप है जी। भैया का भी सीन लो कि इनकी दुकान है। तो ये पूरी इनकी दुकान है यहाँ पर। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या है? नॉर्मली रेंज है। अच्छा, ओके। स्टार्टिंग प्राइस कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 1200 रुपए से स्टार्टिंग है। ओके, 1000 रुपए तक जाएगा मैक्सिमम। 1000 1200 रुपए जाएगा। 400 तो ऐसे इस टाइप के हर एक टाइप का यहाँ पर आपको क्लोथ्स छोटे बच्चों के लिए मिल जाएगा। इस टाइप में प्लाजो में बिना जो प्लाजो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी आते हो तो यहाँ पर ऐसे शॉप कर सकते हो। इस शॉप से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी कपड़े हैं। ये देखिए आप, इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक ब्लू कलर है। तो इतनी सारी भीड़ ये हमेशा यहाँ पर होती है, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली आने वाली है। ये पूरा ही एरिया है यहाँ पर, ये मार्केट है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इस साइड चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज्वेलरी भी लेनी है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी लेने। आपको देसी लेना है मैडम? इधर है देसी के पन्ने का सवाल है। तो यहाँ पे भीड़ इतनी है कि चलने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये फिर से यहाँ पर ज्वेलरी।
यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ पर बेडशीट और वो हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मैं पहले से बोलते आ रही हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज आपको मतलब जो भी खरीदनी है वो मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लाइनें, एक इस साइड जा रही है और इस साइड, तो दोनों साइड पे आप यहाँ पर खरीद सकते हो। यहाँ पे कपड़े मतलब इतना बड़ा मार्केट है ये। और इस साइड लहंगा सब हर एक चीज मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप शॉपिंग कर करके थक जाओ, जैसे अभी मैं यहाँ से इस साइड से निकली हूँ और अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अंदर बहुत मतलब इतनी सारी भीड़ थी और शॉपिंग करते थक जाते हो, तो इस साइड यहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट से यहाँ पर खाने के लिए हर एक चीज़ मिल जाएगी। और इस साइड अंदर के साइड भी यहाँ पर लारियाँ लगी हुए ठेले हैं जहाँ पर आप पानी पूरी भी खा सकते हो। यहाँ पर आपको लेमन सोडा भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। शॉपिंग के साथ यहाँ पर आपकी पेट पूजा भी अच्छे से होने वाली है, क्योंकि अहमदाबाद जाना ही जाता है खाने वालों के लिए। तो ये है यहाँ पर, ये सामने लाल दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा ये लाल दरवाज़ा है यहाँ पर। तो ये था ये पूरा यहाँ का मार्केट जो बहुत ही अभी बड़ा है, मतलब यहाँ पर अभी बहुत सारी भीड़ है क्योंकि अभी फेस्टिवल्स है। जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पर अभी फेस्टिवल चल रहा है, मतलब दिवाली आने वाली है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बस शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर। और इस साइड आपको शूज़ भी मिल जाएंगे, अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप यहाँ से शूज़ भी खरीद सकते हो। और इनकी प्राइस कुछ ज़्यादा होती नहीं है, आपके बजट में ही आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। दरवाजे के अंदर के साइड तो शॉपिंग मार्केट है ही, लेकिन इसके बाहर भी यहाँ पर आपको ऐसे शॉप्स लगे हुए दिख जाएंगे। जो मैं लाल दरवाज़ा कह रही थी, ये लाल दरवाज़ा नहीं, ये तीन दरवाज़ा है यहाँ पे, तीन गेट है, इसलिए यहाँ पे इसको तीन दरवाज़ा कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ शॉपिंग के लिए कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। और देखिए आप भीड़ देखिए यहाँ पर,
और शॉपिंग करते करते आगे चलते हुए आते वक्त यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं जहाँ पे आप दिवाली के लिए लाइटिंग्स भी खरीद सकते हो। ये लाइटिंग्स यहाँ पर पूरी शॉप्स है। ये पूरा अभी इस साइड ये पूरा इलेक्ट्रिकल मतलब जितने ये पूरा एरिया जो है आगे पूरी जितने भी शॉप्स है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो यहाँ पर आपको ऐसे जगमगाते हुए लड़ियाँ यहाँ पे दिखाई देगी आपको। और यूं ही आगे चलते चलते यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है चंद्रविलास रेस्टोरेंट जो कि 1900 से यहाँ पर है। सबसे पुराना रेस्टोरेंट है ये यहाँ का। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। तो ये जो रेस्टोरेंट है मैं आपको एक बार बाहर से दिखा देती हूँ। तो ये रेस्टोरेंट है। तो ये जो रेस्टोरेंट है इसका फुल व्लॉग आएगा वो बाद में आएगा। अच्छे से इसको एक बार फिर हम विजिट करेंगे तब पूरा एक फुल व्लॉग मैं यहाँ पे डालूँगी। तो ये यहाँ पे ये मार्केट जैसे मैं दिखा रही थी अभी आपको कि यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर ये सारी लड़ियाँ हैं। यहाँ पर आगे की तरफ भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ ही यहाँ पर ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ अभी कि जिसकी स्थापना की गई थी 1900 में। तरफ चलते चलते ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ख़त्म होते ही सामने की तरफ आएगा यहाँ पर कंकोत्री मार्केट। कंकोत्री मार्केट मतलब होता है कि यहाँ पे वेडिंग कार्ड्स का मार्केट आएगा। उसके बाद आगे में आएगा शूज़ मार्केट। मतलब ये पूरा जो है ये एरिया पूरा मतलब मार्केट का ही है। अहमदाबाद का सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ पर हर एक चीज़ इस मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो ये था यहाँ पर मेरा ब्लॉग अहमदाबाद का फूल के मार्केट यहाँ पर कैसा है। और यहाँ पे आप शॉपिंग करने आते हो तो यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आपको होलसेल में लेना है तो यहाँ पे बहुत ही मतलब आप आ सकते हो और आप ख़रीद सकते हो। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।